और अभी आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन की इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का मामला फर्द जुर्म आयद होगी या नहीं, फैसला आज होगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज जफर इकबाल ने आज इमरान खान को फर्द जुर्म के लिए तलब कर रखा है। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा 92 न्यूज हुसैन अहमद से। जी हुसैन, इस मुतालिक बताएगा। जी देखिए, तोशाखाना रेफरेंस है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो मामला सेशन कोर्ट को भेजा गया है फौजदारी कार्रवाई से मुतालिक, उसमें इमरान खान का फर्द जुर्म आयद हो सकेगी या नहीं, फैसला आज होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत आज होगी और मुकामी अदालत के एडिशनल सेशन जज इलेक्शन कमीशन की कंप्लेंट पर समाअत करेंगे। अदालत ने फर्द जुर्म के लिए इमरान खान को जाती हैसियत से तलब कर रखा है। इमरान खान गुज़श्ता दो समातों में अदालती तलबी के बावजूद पेश नहीं हो सके थे। अदालत ने हाजिरी यकीनी बनाने के लिए इमरान खान की जानब से मुचलके भी जमा कराए जा चुके हैं, जबकि इमरान खान के वकील ने अदालती हुक्म पर 20,000 रुपये के मुचलके जमा करवा दिए थे। केस की समाअत जो है वो कुछ देर बाद होगी और इलेक्शन कमीशन से मुतलिक ये केस है। केस की समाअत कुछ देर बाद होगी। बहुत शुक्रिया हुसैन अपडेट करने के लिए।